सो दोस्तों फाइनली यहाँ पर रियलमी का 9 प्रो एंड प्रो प्लस दोनों ही स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। इन दोनों ही स्मार्टफोन जो ऑफिशियली लॉन्च डेट है वो लीक हो गई है, जो कि आगे इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। और दोस्तों सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही स्मार्टफोन इसी महीने यानी कि जनवरी में लॉन्च होने वाले हैं इंडिया मार्केट में। अब दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल की स्पेक्ट एंड प्राइस के साथ में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे कमाल की बात ये होगी कि यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग जो है वो काफ़ी तगड़ी देखने को मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर एक बैड न्यूज़ यह है आप सभी के लिए कि ये दोनों ही स्मार्टफोन रियलमी UI 2.0 के साथ में इंडिया मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। यहां पर आपको कोई भी 3.0 का अपडेट जो होगा देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स। अब यहां पर रियलमी के UI 3.0 का जो टीजर है वो जारी कर दिया था, जहां पर स्मार्टफोन की लिस्ट थी कि किस किस स्मार्टफोन को ये अपडेट जो हो सबसे पहले देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर आप इस इमेज को यहां पर ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको रियलमी 8 प्रो के ठीक नीचे यहां पर रियलमी का 9 प्रो एंड 9 प्रो प्लस यहाँ पर दिखावा दिख जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों ही स्मार्टफोन में अपडेट जो है वो आपको फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा, हालांकि दोनों स्मार्टफोन जनवरी में ही लॉन्च कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो रियलमी का 9 स्मार्टफोन होगा वो अगले महीने यानी फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आस्क माधव का जो एपिसोड यहाँ पर यूट्यूब पर चलता है उसमें माधव सेठ ने कन्फर्म करा दिया था कि ये स्टार्टिंग के जो 2 महीने होने वाले हैं रियलमी यूजर्स के लिए जनवरी और फरवरी यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड स्मार्टफोन वो लॉन्च करने वाले हैं सभी यूजर्स के लिए। और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में Xiaomi की Mi 11i हाइपर स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था जो कि ओवर प्राइस था और वो फ्लॉप हो गया था, और रियलमी इसी का फायदा उठाने के लिए अपने दोनों स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडिया मार्केट में लॉन्च करने वाला है। अब देखिए जो रियलमी का 9 एंड 9 प्रो स्मार्टफोन होगा इनमें बताया जा रहा है कि जो रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन होगा वहां पर आपको 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, और जो रियलमी का 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन होगा वहां पर आपको 80 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों स्मार्टफोन की भी फास्ट चार्जिंग काफी अच्छी होने वाली है, और जो रियलमी का 9 प्रो प्लस स्मार्टफोन में ऑलरेडी काफी सारी सर्टिफिकेशन साइट पर सर्टिफाइड होगा, जैसे BIS FCC सर्टिफिकेशन साइट, इन सभी साइटों पर सर्टिफाइड हो रहा है काफ़ी समय से। बस मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हो वो नहीं मिल रही थी, तो आज स्ट्रॉन्ग न्यूज़ मिल गई है तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो लेकर के आ गया हूँ। अब देखिए अगर आप ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए अगर हम अदर स्पेक्ट की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस बार यहाँ पर आपको हाईएस्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में, जो कि काफ़ी सही रहने वाला है। पिछली बार की तरह यहाँ पर कोई भी बिना रिफ्रेश रेट के स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि दोस्तों रियलमी का जो 9i स्मार्टफोन है वहाँ पर भी आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि वहाँ पर जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा ना वो IPS होने वाला है, और ऑलरेडी ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है इंडोनेशिया में। तो अगर आप रियलमी के 9i स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखना। साथ ही दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें रियलमी 9 प्रो प्रो प्लस स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च की, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को स्मार्टफोन दोनों ही इंडिया मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। अभी रियलमी की तरफ से कोई कन्फर्म नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो निकल करके आई है। अब जैसे ही कन्फर्म लॉन्च डेट निकल करके आ जाएगी मैं अपने चैनल पर कम्युनिटी टैब में आपको पोस्ट करके कन्फर्म करा दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार फिर से निवेदन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।